हम लोगों ने वातावरण को हिंदुस्तान में खास करके वातावरण को नेग्लेक्ट करने की कोशिश की और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। अपन हिंदुस्तान के बारे में बात करें वर्ल्ड तो अपने आप इसमें आ जाएगा, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वातावरण के बारे में अभी एक रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशंस की, वह कहती है क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट कैसा है। सिटी लाइफ डायलॉग। नमस्कार, मैं हूँ पूर्णिमा कौल और जैसा हम सब जानते हैं आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे और इस शुभ अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेंद्र कोठारी। ही इज़ अ पास आउट फ्रॉम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहाँ से आपने पॉपुलेशन साइंस में स्टडीज़ किया, मास्टर्स किया एंड ऑस्ट्रेलिया से बाद में PhD की डिग्री हासिल की। इधर गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ भी आप एडवाइज़र रह चुके हैं। इट्स अ मैटर ऑफ प्लेजर दैट ही इज़ विद अस टुडे। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे हम सभी जो रोज़ पढ़ते रहते हैं WHO की रिपोर्ट और अखबारों में है और चर्चा सुनते रहते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पानी का लेवल कम होता जा रहा है, इन सब बातों से आखिर कब तक हम सिर्फ बातें करते रहेंगे। यू बींग एन एक्सपर्ट, आज हम आपके साथ ये चर्चा करने चाहेंगे कि आखिर इन सब बात का सलूशन क्या है। नमस्ते पूर्णिमा जी। देखिए आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है। पहली बात ये बात करें कि ये क्यों मनाया जा रहा है। आज से करीब 45 साल पहले 1974 की बात है यूनाइटेड नेशंस ने सोचा कि वातावरण एक बहुत गंभीर समस्या बन रही है और बनती जाएगी और उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट की 1974 में और तब से ये मनाया जाता है। इसके पीछे जो उद्देश्य ये है कि लोग में अवेयरनेस पैदा करना, इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है अपने स्तर पर और विश्व के स्तर पर, ये बातें करना। और सबसे इसकी जो खास बात है, हर साल एक कंट्री डिसाइड करता है कि उस साल का क्या फोकस होगा, किस एरिया पे फोकस होगा। इस साल 2019 के अंदर चाइना होस्ट कंट्री है इसके बारे में और चाइना ने कहा कि एयर पोल्यूशन इज़ ए बिगेस्ट थिंग, एयर पोल्यूशन। लास्ट ईयर 2018 में भारत होस्ट था और भारत ने कहा था कि प्लास्टिक पोल्यूशन इज ए बिग थिंग और उसके बारे में काम किया जाना चाहिए। तो ये जनता को, लोगों को, राष्ट्रों को मिलाने का ये सबसे अच्छा तरीका है। हर साल किसी एक राष्ट्र का सिलेक्शन होता है तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है और ये यूनाइटेड नेशंस में कई दिन मनाए जाते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट डे मानते हैं इन्वायरमेंट को। ये तो रहा इन्वायरमेंट के बारे में। अब आपने ये कहा था कि आजकल बहुत चक्कर चल रहा है कि ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है और हो रही है, इसका इफ़ेक्ट आप राजस्थान में देख रहे हैं कि मैं करीब कई सालों से राजस्थान में रहता हूँ, राजस्थान में ही पैदा हुआ हूँ, इतना टेम्परेचर नहीं देखा, 50 डिग्री से ऊपर जाना टेम्परेचर जा रहा है। तो ये इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रही है, यहीं नहीं पूरे विश्व में गड़बड़ हो रही है। कहीं स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है, मैं बाहर जाता रहता हूँ और मेरे बच्चे भी बाहर हैं, इतना स्नोफॉल हो रहा है जो पहले उन्होंने कभी नहीं देखा। तो क्वेश्चन है, कुछ चेंजेस तो आ रहे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग है वो हो रही है। ये ग्लोबल वार्मिंग है क्या, ये तो ये भी थोड़ा समझ लें अपन। ग्लोबल वार्मिंग ये है कि हम जब लोग कोयला या तेल का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो उससे कार्बन बनती है, वो कार्बन जाके स्काई में जाके एक परत बन जाती है आकाश के ऊपर, और सूर्य से जो किरणें आती है जिसको हम महसूस, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वापस रिफ्लेक्ट होके पूरी बाहर नहीं जा पाती है, क्यों कार्बन का एक
शील्ड बन चुका ऊपर, वो उसको रोक लेती है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब प्रश्न ये है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे एक बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय। कुछ लोग कहते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग आदमियों के कारण हो रही है, ह्यूमन बीइंग के कारण हो रही है, ये सब झगड़े की जड़ है, यही कार्बन को फेंसता है। दूसरे लोग कहते हैं कि ये तो नेचुरल फिनोमेनन है, ये तो लोगों अपने आप होगा, पहले भी हो चुका है, अभी भी होगा। ये कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी में जाने से कोई फायदा नहीं है, हमें तो ये देखना हम क्या कर सकते हैं। डॉक्टर कोठारी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जो थ्रो अवे का कल्चर हिंदुस्तान का दिया हुआ है, पहले हम दोना पत्तल ये सब यूज़ करते थे और थ्रो अवे का कल्चर था, मगर वो कन्वर्ट होते होते वेस्ट में जाके वो प्लास्टिक में कन्वर्ट हो गया। तो आपको नहीं लगता कि ये टू मच ऑफ प्लास्टिक हो गया है? क्या ये ओजोन की लेयर में छेद करने का एक वन ऑफ द रीज़न नहीं है? देखिए, आप पहले काफ़ी आगे जा चुकी हैं, प्लास्टिक के साथ कई चीज़ें हैं, प्लास्टिक आज के रोज़मर्रा की चीज़ बन चुकी है, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढिए आप। तो वह अब देखिए, समय के साथ कई चीज़ें चेंज होती है, आप चेंज कीजिए, चेंज अपन नहीं कर पाए। अपन को ये सोचना चाहिए कि हम अब कर क्या सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हो सकता है कि जैसा आपने कहा था, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कई शहर जो समुद्र के किनारे हैं वे हो सकता है 20-30 साल के बाद नज़र भी नहीं आए। तो हमें इन बातों को भी सोचना पड़ेगा। जिस तरह से पानी की कमी हो रही है, मानसून लेट आ रहा है, सर्दी में सर्दी नहीं पड़ रही है, गर्मी में कितनी बार ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही है उसके बारे में सोचें क्या हम कर सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में शायद हम अब कुछ नहीं कर सकते, ये होगा। हाँ, मेरा सा विचार है इसको डिले किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। इसको अभी रोका कैसे जाए, इसके पहले हमें सोचे हिंदुस्तान का वातावरण कैसा है, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए। जिस तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं उन्हें देख के अभी सुना जा रहा है अंडमान निकोबार 2050 के बाद रहेगा ही नहीं, बॉम्बे के ऊपर भी खतरा है, केरल पे भी खतरा है, सब जगह खतरा है। तो आप बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या पॉलिसीज होनी चाहिए गवर्नमेंट्स की, नॉट ओनली इंडियन गवर्नमेंट, सारी वर्ल्ड की प्रॉब्लम है ये, तो क्या पॉलिसीज होनी चाहिए और उनका इम्प्लीकेशन किस तरीके से हो? देखिए, मैंने जैसे कहा कि इन्वायरमेंट चेंज तो होगा, उसको हम रोक नहीं सकते। अब क्वेश्चन ये है कि उसको डिले किया जा सकता है, उस चीज़ को थोड़ा, उसके प्रभावों को कम किया जा सकता है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। देखिए, जो चीज़ आपके हाथ में अब निकल चुकी है आपके हाथ से, और ये नेचर का फिनोमेनन है, पहले भी रह चुका हो चुके हैं यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर आज से हजारों सालों पहले, तो इसके बारे में हम ये सोचें हमें क्या करें। मेरा ऐसा विचार है, नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे वातावरण को सुधारना चाहिए। वातावरण क्या है, जो चारों चीज़ें नज़र आती है, पानी है, जानवर है, व्यक्ति हैं, ये वातावरण बनता चारों ओर से फैला हुआ, उस वातावरण को सुधारने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने वातावरण को, हिंदुस्तान में खास करके, वातावरण को नेगलेक्ट करने की कोशिश की और उसका नतीजा आज हम दिख रहे हैं। अपन हिंदुस्तान के बारे में बात करें, वर्ल्ड तो अपने आप इसमें आ जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वातावरण के बारे में अभी एक रिपोर्ट आई यूनाइटेड नेशंस की, वह कहती है क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट कैसा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जो हर साल आती है, 180 कंट्रीज में उन्होंने स्टडी किया। सबसे पहला कंट्री कौन सा था आप सोच सकते हैं जिसका इन्वायरमेंट सबसे अच्छा है? स्विट्जरलैंड बनाया। और सबसे खराब इन्वायरमेंट जहाँ का है, हिंदुस्तान में से एक है, हिंदुस्तान का नंबर 177। आप सोचिए हिंदुस्तान में हालत हुआ, हम लोग सोच नहीं रहे हैं, ये पूरा इलेक्शन निकल गया, पूरे इलेक्शन में आपने कभी सुना एनवायरनमेंट के बारे में, किसी ने बात की एनवायरनमेंट के बारे में? और पर सोच नहीं रही, भयानक चीज़ हो रही है।
तो हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा इन्वायरमेंट, आप सोचते नहीं, हर साल दिल्ली के अंदर दिसंबर के महीने में लोगों को मास्क लगाना पड़ता है। आपको मालूम है दुनिया में जो 20 सबसे एयर क्वालिटी के शहर है दुनिया में, 14 इंडिया में है, और कानपुर इसमें टॉप पे है सबसे ज़्यादा। तो हम जहरी हवा ले रहे हैं, क्या किसी ने इसके बारे में बात की, उठाया? तो ये हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। मिस्टर कोठारी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक हमारी जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम लोग सोचते हैं सब कुछ करेगी गवर्नमेंट करेगी, मगर आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल ऐसी बातें बताएं जो लोगों को, आम आदमी जो कर सके। देखिए, अब समस्या इतनी भयानक हो चुकी है, आम आदमी को तो काम करना पड़ेगा, इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको गाइडेंस तो कहीं से मिलेगी ना। एक परिवार होता है, उसके अंदर माँ बाप का रोल बहुत बड़ा होता है, बच्चों को समझाने में, उनको क्या करना है क्या नहीं करना। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं बाहर रहता हूँ, मेरे बच्चे बाहर है, मेरे जो पोता है और पोती है वह करीब 10 साल के होंगे, 10-12 साल के हैं। मैं उनको लेके बाहर जाता हूँ शहर के अंदर जहाँ मैं रहती, सैन फ्रांसिस्को एरिया के अंदर, मैं उनके लिए टॉफ़ी खरीदता हूँ, वे ले लेते हैं, और रास्ते में वापस पैदल हम घर जाते हैं, करीब 1 किलोमीटर का टुकड़ा है, और वे रेपर उनके हाथ में है, वह हाथ में रहता है, बाहर सुनसान जगह हम फेंकते नहीं हैं। इसका मतलब उनको ट्रेनिंग मिली है, का ही है जो आप कह रहे करना चाहिए। इसके लिए चीज़ स्टार्ट होती ऊपर से, तो उसके लिए क्या किया जाए, ये बात तो करें अपन। अब जैसे जैसे कि हमारे में एकदम 4-5 चीज़ें हमको करनी चाहिए। एयर पोल्यूशन की बात ज़बरदस्त है, आपको मालूम है करीब 15 लाख लोग हर साल हिंदुस्तान में एयर पोल्यूशन से मरते हैं, जो अभी WHO की रिपोर्ट आई उसके आधार पर कह रहा हूँ मैं, 15 लाख। अब क्या है, आपने इतने बड़े बड़े शहर बना दिए, कंजेशन बढ़ा दिया, क्या आप छोटे शहर नहीं बना सकते थे, कुछ लोगों को रोक नहीं सकते थे? मतलब अब आप सोचेगा नहीं, ये तो सोचने की, ये तो पॉलिसी बनाने वाले की है। मुझे तो जहाँ नौकरी मिलेगी वहाँ जाऊँगा, बॉम्बे में मिलेगी तो बॉम्बे जाऊँगा, दिल्ली में मिलेगी तो दिल्ली जाऊँगा। विकास तो नहीं रोक सकते हम लोग, तो विकास शहर को रोकने, शहर बढ़ते हुए शहर को दूसरे शहर बनाइए ना उसकी जगह, पेड़ काट के और हम मकान बनाए वो नहीं होना। आप देखिए, आपने फेसबुक का नाम सुना होगा, आपने ट्विटर का नाम सुना होगा, आपने गूगल्स का नाम सुना होगा, ये अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। ये क्या बड़े शहरों में, कहाँ पे इसकी लोकेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को बहुत बड़ा शहर है, लेकिन सैन फ्रांसिस्को के अंदर फेसबुक की हेडक्वार्टर नहीं है, मेनलो पार्क में है, जो करीब करीब 100 माइल्स वहाँ से दूर है सैन फ्रांसिस्को। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते गवर्नमेंट? आपने वॉलमार्ट का नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी चेन है, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में नहीं है, छोटे से शहर में है जिसकी 50,000 की आबादी है। क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती है, जितने बड़े बड़े जैसे रिलायंस है या दूसरी कंपनी है, अपना हेडक्वार्टर छोटे शहर में ना, तो इंटरनेट है ना, क्या प्रॉब्लम है आपको, कहीं भी बैठ के काम करो ना आप। तो ये पॉलिसी तो ऊपर से आएगी ना, जनता क्या करेगी, ये आप जो कहा ना, ये तो पॉलिसी ऊपर से आनी चाहिए। और इसी तरह से आपके इंजन खराब है, गाड़ियां खराब है, इतना पोल्यूशन कर रहे हैं, क्या उसको रोक के दूसरी गाड़ी नहीं ऐसा स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें, उसको सस्ता देवे, ये कौन करेगा? हम लोग ही करेंगे, जनता, गवर्नमेंट करेगी तो जनता करेगी, क्योंकि जनता आपको इतने महंगे ही व्हीकल रखेंगे इलेक्ट्रिक। अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, अभी हुआ क्या कि उन्होंने इस पर बहुत सब्सिडी दे दी, क्या हम दे सकते हैं? अब ये तो सोचने की बात है। अभी मैं आपको एक और उदाहरण, अभी मैं चाइना में था करीब 3-4 महीने पहले, मैं बीजिंग से संघाई जा रहा था ट्रेन के द्वारा, जो करीब करीब 1,500 किलोमीटर का से अधिक का रास्ता है। रास्ते में कई शहर आए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी मैंने, एक चीज़ नज़र आई मुझे, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं, बता सकता हूँ मैं आपको, कि सभी जगह सोलर पैनल लगे हुए हैं बिल्डिंग के ऊपर। हम लोग यहाँ नहीं बना सकते, गवर्नमेंट के जो बिल्डिंग बनाएंगे तो सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। सोलर पैनल से क्या होगा, आप ऑयल कम खर्च करेंगे, कोयला कम खर्च करेंगे, जिससे कि कार्बन कम बनेगा।
ये चीज तो करनी पड़ेगी ना, अपन से हम तो कुछ नहीं करेंगे, अपने आप सब हो जाएगा, ये नहीं होता है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि कुछ भी नहीं हो रहा है, हम भी डे बाय डे इम्प्रूवमेंट देखते हैं डेली लाइफ में। और आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट से पॉलिसीज आनी चाहिए, मगर हम केवल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे डिपेंड नहीं कर सकते। एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आता है, फीफा वर्ल्ड कप में जापान की टीम आती है, खेलती है और हार जाती है, मगर उसके बावजूद भी जब सारा वो पवेलियन खाली होता है तो केवल जैपनीज वहाँ बचते हैं, और वो सारी प्लास्टिक की बॉटल्स जो लोगों ने फेंकी हुई होती हैं और कुछ भी खा के रैपर्स फेंके होते हैं, वो 5 मिनट के अंदर वो पूरा ग्राउंड साफ करते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि ये उनके ब्लड में है। तो ये हमारे भी अंदर हो सकता है अगर हम लोग चाहें तो हमें ये करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ही कहे तो ही हम क्यों करें, हम आम जनता का भी ये काम है कि इन बातों के लिए अवेयर हों। क्वेश्चन है, आपने कहा कि पेड़ कटने, पेड़ जब आपकी जनसंख्या इसी तेजी से बढ़ेगी तो आप उनको पेड़ उनको खाना देने की बात करेंगे या पेड़ काटने की बात करेंगे आप? नहीं, आपको देखिए ये विशेष सर्कल के चक्कर है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ राजस्थान का। जब राजस्थान बना था 1950 की बात करें, अपन लोग सेंसस के डेटा बताते हैं कि 1 किलोमीटर में 40 व्यक्ति रहते थे, 40। आज कितने रहते हैं मालूम आपको? 250 से ज़्यादा, 1 किलोमीटर, किलोमीटर वही का वही एरिया है। अब क्वेश्चन है कि हमने पॉपुलेशन को बढ़ने दिया तो पानी की भी जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्या हमने कभी कोशिश की इसके लिए? मतलब आप जो कह रहे खेजड़ी की बात करें, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी चीज़ थी ये, आज से करीब 200 साल पुरानी बात है और बहुत बड़ी चीज़ हुई थी और लोगों ने अपने जाने दे दी, सिर कटवा लिए थे, आज क्यों नहीं कटवा सकते हैं? इसका मतलब उसमें के लोग ज़्यादा एजुकेटेड थे, मैं सोच ज़्यादा इलिटरेट थे, लेकिन उनको अपने इन्वायरमेंट से प्यार था। लेकिन अब जब पेट में खाना नहीं है तो खाने की बात करेंगे या पेट बचाने की बात करेंगे? पेड़ रहेगा तो खाना रहेगा, दोनों बातें हैं। खाने के लिए भी पेड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये ठीक है विकास के लिए पेड़ कटेंगे, कभी सड़क चौड़ी करने के लिए भी आपको एक्सीडेंट्स रोकने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं, पर ऑप्शन भी तो है, एक पेड़ काटे तो 5 लगाने की सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये कौन करेगा सज़ा की बात, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, हम हर बात पे गवर्नमेंट पे ही क्यों डिपेंड करें, क्यों ना हम खुद ही करें? आप जैसे शिक्षाविद और पर्यावरणविद हमारे साथ है, अगर आप कहेंगे लोगों को तो लोग अवेयर होंगे। हम चाहते हैं आप ये मैसेज दें लोगों को कि वो क्या क्या कर सकते हैं। अब आपको बड़ा बोल्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। आपको पॉपुलेशन मालूम है, आपको हर साल 2 करोड़ लोग राजस्थान में बढ़ रहे हैं, अब 2 करोड़ लोगों का पानी तो पियेंगे, क्या करेंगे आप अपनी जनसंख्या कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको मालूम है जितनी जनसंख्या बढ़ रही है उसकी 50% से अधिक अनवांटेड है, नहीं चाहते हुए भी हो रहे हैं, क्या ये आप क्या करें उसके लिए? आपको सब जनता को सोचना चाहिए कि वे अपनी जनता में रखे, ये तो अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है मैडम। हमें समस्या के समाधान के लिए 2 पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। एक तो पॉलिसी का इनिशिएटिव गवर्नमेंट को लेना पड़ेगा और दूसरा एक जनता में एनवायरनमेंट के बारे में मूवमेंट चलाना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं हार्वर्ड में पढ़ने गया था, वहाँ पर एक कोर्स था एनवायरनमेंट का, मुझे हंसी आई एनवायरनमेंट का भी कोई कोर्स होता है, और मैंने लिया हुआ कोर्स, बड़ी भीड़ थी उस कोर्स में, लड़कों एक मूवमेंट चलाया था एनवायरनमेंट को बचाओ, उन्होंने एयर के लिए स्ट्रगल किया, अच्छे पानी के लिए स्ट्रगल अमेरिका ने, और फिर उन्हें जनसंख्या रोकने के लिए कोशिश किया, तो ये जनता की तरफ से आवाज़ उठी और उसको गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया। तो क्वेश्चन है कि यहाँ एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा और इस चीज़ को लाइट मत लीजिए। मैंने कहा पूरे इलेक्शन में इसके बारे में चर्चा नहीं हुई, इसका मतलब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में मीडिया को मेरे जैसे लोगों को आवाज़ तो उठानी ही पड़ेगी। डॉक्टर कोठारी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, स्थिति भयावह है और ये बात सच है कि गवर्नमेंट को बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, मगर आज ये स्थिति वार की आ गई है, आज हमको और आपको जागरूक होना पड़ेगा। जहाँ तक हो सके हम लोग पेड़ बचाएं, नए पेड़ लगाएं और
फर्नीचर और जिन चीज़ों में लकड़ी के बिना भी कुछ चीज़ से इस्तेमाल हो सकता है उसका इस्तेमाल करें, हो सके जहाँ तक टिश्यू पेपर, प्लास्टिक और इन चीज़ों का इस्तेमाल हम और आप बंद कर सकें। थैंक यू डॉक्टर कोठारी, वी वर हैप्पी टू हैव यू हियर, थैंक यू सो मच।